हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सोचा मैं आपको अपने इस फाइट प्लान की थोड़ी केयर बता दूं कि इसकी केयर कैसे करनी है। और अभी इसका सीज़न है, ग्रोइंग पीरियड है, तो थोड़ी इसकी अपडेट भी आपको दे दूं। तो आप जो मेरा फाइट प्लान देख रहे हो, ये अभी ऐसे छोटे से हैंगिंग वाले में लगा हुआ है, बट इसमें भी ये बहुत बड़ा होता जा रहा है। इसमें अभी जो है, इसमें जैसे ये वाला स्टेम है, इसमें बहुत सारे इसमें बेबीज निकल रहे हैं। तो इसमें जो है बहुत बड़े बड़े बेबीज भी थे, यहाँ पे भी थे, जो मैंने सब प्रोपोगेट कर दिए हैं। तो ऐसे मैंने 4-5 प्लांट्स बना दिए हैं, और इसमें से एक न्यू स्टेम भी निकल रहा है, ये रहा एक न्यू स्टेम, और जिसमें से एक छोटा क्यूट सा बेबी निकल रहा है। अभी ग्रीन कलर का इसमें कलर आ जाएगा, ये अभी निकला है। इसमें भी न्यू न्यू बेबीज निकल रहे हैं, और इस स्टेम से मैंने बहुत सारे बेबीज हटा दिए थे, ये वाले स्टेम जो थे, इसमें फिर बेबीज आ गए हैं। तो अभी जो है राइट टाइम है, अगर आपका बेबी जो है वो स्पाइडर मैन का बेबी जो है थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप उसे शिफ्ट कर लीजिए। जैसे ये वाला एक है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला है एक, मैंने इसे छोटा सा, ये बहुत छोटा सा गमला है, ये 10 रुपीज़ में मिल जाता है हमारे यहाँ आसपास की शॉप में। तो ये मैंने ऐसे ही रखा हुआ था अपने नोबत या सब के लिए, तो मैंने इसमें ये एक लगा दिया। तो ये अभी ऐसे मैंने 4 बना लिए हैं, जिसमें 2 अभी ग्रो कर रहे हैं, ये भी ग्रो हो गए, इसमें ग्रोथ शुरू हो गया। ऐसे तो मैं इनको आपको दिखाती हूँ, जब छोटी सी भी इसके अंदर आपको दिख रही होगी, बहुत छोटी सी लीव आ रही है, तो इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है। तो ये मुझे लगाए हुए थिंक 2-3 हफ्ते हो गए। इसके अलावा मैंने 3-4 और बनाए हैं, जिसमें से 2 अभी थोड़ी सी मैंने इसकी नोटिस की है, जैसे आप कटिंग करा रहे हो तो शेड में रखना नहीं चाहिए, थोड़ा सा वो पेल होने शुरू हो जाते हैं, जो लीव जो है वो थोड़ी सी पेल होने शुरू हो गई है उसकी, तो मैंने उनको थोड़ा सनलाइट में रख दिया। तो स्पाइडर प्लांट को ऐसे ब्राइट एरिया में रखना होता है, और लाइट एरिया में भी जो है वो थोड़ा डल हो जाता है और येलो हो जाती है लीव्स, जैसे मैंने उसको शिफ्ट कर दिया। उसमें भी न्यू न्यू लीव्स आ रही है। अभी जो नई स्टेम निकली है, इसमें भी देखो एक अलग से लीव आ गया ऐसे। मे बी ये बेबी बनेगा, ये मैंने पहली बार देखा है कि न्यू स्टेम में भी एक ऐसे अलग से लीव आ रही है। मोस्टली जो होते हैं, जैसे ये स्टेम है, इसमें ऐसे बेबीज आते हैं, इसमें से भी बेबीज आते हैं, लेकिन इसमें है एक लीव ही आ रही है अलग से इसकी स्पाइडर की, तो मैंने पहली बार देखा। ये 2-3 दिन पहले ही आई है, और इसमें तो क्यूट सा ये बेबी भी आया है। तो इसका प्रोपोगेशन भी बहुत इजी है, आप आपको दिखाती हूँ। हम जैसे ये वाला बेबी है, इससे यहाँ से जब ये थोड़ा बड़ा हो जाए तो इसमें जो है छोटे छोटे रूट्स बन जाते हैं, जब हम इस पर वाटर स्प्रे करते हैं, मैं इस पर रोज में स्टेन करती हूँ, तो इसमें छोटे छोटे बेबीज बन जा रूट्स बन जाते हैं बेबी में। तो वो वहाँ से जब रूट्स आ जाए 2-3, और इसकी हाइट मान लो इतना बड़ा हो या इससे भी थोड़ा छोटा हो, इतने बड़े साइज में मैंने रिपोर्ट किया है, तो छोटा सा हो जिसमें मतलब 8-10 रूलीज हो, जैसे ये वाला है, इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इसमें आपको दिखाती हूँ, इसमें भी कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे रूट्स अगर होंगी तो उसको शिफ्ट करो। इतने छोटे बेबी को शिफ्ट करेंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम बड़े को करते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये तो हो गई प्रोपोगेशन की बात, मैंने इसे प्रोपोगेट किया। अभी इसमें कोई न्यू लीव्स ले रहे हैं जो बहुत थिक आ रही है, जो पुरानी है जैसे ये थिन सी हैं। अब जैसे इसमें एक है जिसमें ये थोड़ा सा ब्राउन हुआ है, पहले जब मैंने इसे थोड़ा इनडोर या ऐसी जगह पर रखा था तो ये जो एजेस जो थी वो ब्राउन होने लग गई थी ज़्यादा, यहाँ यहाँ तक ऐसे, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, सुंदर नहीं लगता था। लेकिन अब मैंने इसको जो है ब्राइट सनी एरिया में रखा है तो भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जैसे ये लीव है मैंने तोड़ दी थी, उसमें नई लीव्स आ रही है। इसमें जो सॉइल है वो भी आप देख सकते, सॉइल मीडियम भी अच्छा है, मतलब अभी ये हल्का सा मॉइस्ट है, ज़्यादा मॉइस्ट नहीं है, सॉइल मीडियम भी अच्छा है इसमें। तो इसमें भी सॉइल मीडियम जो है वो भी ऐसा लेना है जिसमें सैंड मो या फिर मिट्टी भी है, तो वो अच्छी वाली लेनी है, इसमें चिकनी मिट्टी नहीं लेनी है। इसमें भी न्यू लीव्स आ रही है, इसमें भी वो अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये मैंने कुछ महीने पहले लिया था, जो मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया भी था हॉल में। तो इसकी मेन तो ये प्रोपोगेशन हो गई, मैंने आपको अपने छोटे बेबी दिखा दिया, सनलाइट रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी, वाटरिंग जो होती है। अभी विंटर में तो इसे वंस इन अ वीक वाटरिंग कर दी थी मैं, लेकिन जो अभी गर्मी का टाइम है तो गर्मी में इसे वाटरिंग जो होती है हमें थोड़ी ज़्यादा करनी होती है, क्योंकि डिपेंड करता है उसकी आप कौन से एरिया में रहते हैं। अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो उसको वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और अभी इसे एक दिन छोड़ के या जब भी सोइल ड्राई होती है हम इसे पानी डाल देते हैं,
और इसमें कोई भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, और इसमें अच्छी ग्रोथ भी हो रही है, और ये अच्छी ग्रोथ मैंने आपको दिखा दी कि इसमें अभी ग्रोइंग पीरियड है, तो अभी आप जो है अगर आपके स्वाइन फ्लू में बेबीज हैं तो आप उनको ट्रांसप्लांट कर लो, या फिर अगर आपको स्पाइडर प्लांट लेने तो अभी राइट टाइम है स्पाइडर प्लांट खरीदने का भी। तो इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपको स्पाइडर प्लांट के लिए तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।